Hi everyone, welcome back to the amazing and amazing platform of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I'm your zoology mentor. So today we're gonna study about the nucleic acid. Aaj hum padhne wale hain apne DNA aur RNA ke bare mein, which is an important part of biomolecules in zoology and chemistry as well. To ye topic aapko dono jagah pe help karne wala hai. Iske sare concepts ko acche se clear karne ki koshish karte hain. Let's start with the topic of nucleic acids. As usual, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि वो चीज है क्या. So we gonna talk that what is a nucleic acid. कैसी चीज को आप nucleic acid बोलोगे? सबसे पहले बेटा biomolecules chapter में पढ़ रहे हैं. So nucleic acid is a biomolecule. और biomolecule की जब भी बात करते हैं तो एक important question हमको मिलता है कि क्या वो छोटा molecule है या बड़ा molecule है. तब आप बताते हो मैम ये छोटा है तो हम इसको micro biomolecule बोलेंगे और बड़ा है तो इसको मैक्रो बायोमॉलिक्यूल बोलेंगे. सो दिस न्यूक्लिक एसिड इज अ मैक्रो बायोमॉलिक्यूल. दिस इज अ मैक्रो बायोमॉलिक्यूल. मतलब बेटा ये बड़ा है. मैक्रो मीन साइज में जो बड़ा हो. ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका साइज 800 डाल्टन से ज्यादा होता है. द साइज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज मोर देन 800 डाल्टन एंड दैट इज व्हाई इट इज अ मैक्रो बायोमॉलिक्यूल. ठीक है, अब जब मैक्रो बोला 800 से ज्यादा साइज है तो ये भी पता कर लें कि बेटा ये एक पॉलीमर है. अगेन जैसे तुमने प्रोटीन की माला बनाई थी कौन से मोती लगा के, अमीनो एसिड के मोती लगा के, ठीक वैसे ही तुम न्यूक्लिक एसिड भी एक माला की तरह फॉर्म करोगे, एक चेन की तरह फॉर्म करोगे. पॉलीमर मतलब क्या होता है बच्चों? पॉलीमर मतलब होता है चेन, किसी चीज की चेन होना. सो दिस न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. बेटा एक न्यूक्लियोटाइड नाम की चीज है जिसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूं एनटी. ठीक है, एनटी जहां पे भी लिखूंगे आपने क्या समझना है, न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं. तो ये न्यूक्लियोटाइड एक मोती है, एक फूल है जिसको जोड़ जोड़ के आपने जो चेन बनाई है उसको आप क्या बोलोगे? न्यूक्लिक एसिड बोलोगे. सो दिस न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. मतलब बच्चे अपने पास न्यूक्लियोटाइड है, मतलब कि एनटी जिसको मैंने लिखा हुआ है, दिस इज मोनोमर. दिस इज मोनोमर. और इस न्यूक्लियोटाइड का हमने बेटा चेन बना दिया, मतलब एन टाइम्स मतलब कई टाइम्स न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दिया और इसको हमने कह दिया बेटा न्यूक्लिक एसिड. एन एसिड जो लिखा है मतलब न्यूक्लिक एसिड शॉर्ट में लिख दिया है. सो दिस न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर. दिस इज अ पॉलीमर. और किस चीज का पॉलीमर है? इसका मोनोमर क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड है. ठीक है, चलो जब इतनी बात पता चली तो हमने किया बेटा कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या होता है भाई? मान लिया कि मैम चेन है और किसकी चेन है? न्यूक्लियोटाइड की चेन है. पर ये है क्या? कहां पे प्रेजेंट है? क्यों पढ़ रहे हैं इसको एज अ बायोमॉलिक्यूल? बॉडी में कहीं तो होगा ये मॉलिक्यूल. जो बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है उसको ही तो हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल. तो ये बॉडी में कहां पे है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा दिस न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप्स का है? टू टाइप्स इन लिविंग सिस्टम. जितनी भी लिविंग सिस्टम है बेटा अर्थ पे अपने यूनिवर्स में, उसमें दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड उनकी बॉडी में पाए जाते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं. व्हाट आर दीज टू टाइप्स? दिस इज द वेरी नोन डीएनए एंड आरएनए, जिसको आपने बहुत बार सुना है डीएनए और आरएनए के बारे में. चलो फटाफट से फुल फॉर्म लिख लो अपनी कॉपी पे. तुमको ऑलरेडी पता है डीएनए इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. देखो बेटा नाम में देखो न्यूक्लिक एसिड लगा दिया तो हुआ ना न्यूक्लिक एसिड. ऐसे ही आरएनए का फुल फॉर्म लिखो, दिस इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. अभी फिर से देखो नाम में क्या लगा दिया, न्यूक्लिक एसिड तो हुआ ना न्यूक्लिक एसिड का टाइप. और देखो आरएनए डीएनए कहां से उठाया? डीऑक्सी का डी, न्यूक्लिक का एन एंड एसिड का ए बन गया डीएनए. राइबो का आर, न्यूक्लिक का एन, एसिड का ए बन गया आरएनए. ठीक है,
करते क्या है बेटा, जैसे कि डीएनए की अगर हम बात करें तो ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जो जीन्स की हम बात करते हैं, जो हम बोलते हैं कि हमको मम्मी पापा से अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिले हैं, सिबलिंग्स के बीच में आपस में कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सब कुछ बिकॉज ऑफ डीएनए। यही डीएनए है बेटा जो हमारी बॉडी की मिलियंस ऑफ सेल्स की न्यूक्लियस में धागे की तरह ठूस ठूस के भरा गया है, और इसी डीएनए के कुछ कुछ टुकड़ों की वजह से हमारे सारे कैरेक्टर्स आते हैं, बीट आई कलर, बीट स्किन कलर, बीट हेयर कलर, बीट योर हाइट, हेल्थ, और बॉडी में आपके जितने भी काम हो रहे हैं सब इस डीएनए की वजह से। ये अपनी मर्जी से कमांड देके अपने मन के प्रोटीन्स बनवाता है, और जैसा प्रोटीन आपकी बॉडी में बनता है ठीक वैसा ही कैरेक्टर आता है, और इसीलिए सबके पास अलग अलग डीएनए है और सबके पास अलग अलग प्रोटीन बन रहे हैं, जिसकी वजह से सबके पास थोड़े अलग अलग सेम चीज के लिए कैरेक्टर्स आ रहे हैं। और क्योंकि ये डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल हमको अपने पेरेंट्स से मिलता है, इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से और अपने सिबलिंग्स में आपस में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज रखते हैं। ठीक है, सो दिस इज द जेनेटिक मटेरियल विच वी फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ठूस ठूस के भरा हुआ है जेनेटिक मटेरियल। मोस्टली तो यही जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सेप्ट फॉर सम वायरसेस। कुछ वायरसेस इतने बदमाश होते हैं, उन्होंने डीएनए अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं रखा है, उन्होंने अपने अंदर रखा है बेटा आरएनए, और उन वायरसेस को कहते हैं राइबो वायरसेस। जिसके अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड हो उस वायरस को तुम कहोगे राइबो वायरसेस। तो ये जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं बेटा, जेनेटिक मटेरियल इन राइबो वायरसेस। वो वायरसेस जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उसको हमने राइबो वायरस कह दिया। बाकी सबके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, अपना डीएनए है। इनफैक्ट बेटा ये डीएनए जिसको तुमने न्यूक्लिक एसिड बोला है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूं डीएस। इसमें से आप में से बहुत सारे लोगों को ये बेसिक बातें पता होंगी, बट जिसको पता है वो इसका रिवीजन करेंगे, चेक करेंगे, उनको कोई गलत कॉन्सेप्ट तो नहीं पता है पहले से। प्लस जिसको नहीं पता है बेटा वो नए तरीके से इसको सीखेंगे, बिकॉज आई नो कोविड की वजह से आप लोगों की 2 साल से अच्छे से स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हुई है, सो एवरी बेसिक कॉन्सेप्ट वी हैव टू क्लियर हियर ओनली। ठीक है, सो डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएस लिख दिया। ये बेटा जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इट इज जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड, सो आई एम राइटिंग इट SS, सिंगल स्ट्रैंडेड। अब ये डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड का क्या मतलब है, मतलब बेटा डीएनए का एक और दो धागा होता है, जबकि आरएनए का जनरली एक ही धागा होता है। ठीक है, अब यहां पे मैंने दो धागे न्यूक्लिक एसिड के लगाए हैं, और न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है बेटा, न्यूक्लिक एसिड बनता है न्यूक्लियोटाइड से। ये रहा न्यूक्लियोटाइड, 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 बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड यानी कि मोती को मिला मिला के मैंने एक माला बनाई, एक और बनाई, दोनों को साथ लेके आई, तब मैंने बोला दो न्यूक्लिक एसिड की माला जब मिला दी तब डीएनए बना। जबकि यहां पे बेटा मैंने सिर्फ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के एक ही माला बनाई और बोल दिया कि लो भाई आरएनए बन गया। न्यूक्लिक एसिड का एक धागा यहां पे, न्यूक्लिक एसिड का दो धागा यहां पे, और न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड का माला, न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब एक और बात ध्यान दो, न्यूक्लिक एसिड नाम से क्या बता रहा है बेटा, एसिड, इसके नाम में ही एसिड लगा हुआ है, एंड दैट इज व्हाई वी आर वेरी श्योर दैट न्यूक्लिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। कैसा नेचर होता है इसका, एसिडिक नेचर होता है बेटा। तो डीएनए भी आपका एसिडिक नेचर का है और आरएनए भी एसिडिक नेचर का है, दोनों में एसिड एसिड लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि डीएनए का नेचर कैसा है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस, ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना है डीएनए का नेचर कैसा है, इट इज एसिडिक इन नेचर। जनरली इट इज डबल स्ट्रैंडेड, दो धागे हैं न्यूक्लिक एसिड के और हर धागे में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं बच्चों।
आरएनए जनरली सिंगल धागा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक धागा होता है न्यूक्लिक एसिड का जिसमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, ठीक है। इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन जनरल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फॉर राइबोवायरसेस। इन फैक्ट ये जो आरएनए है वो और भी कुछ कुछ काम करता है, इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। और अगर तुमको याद हो एंजाइम्स का लेक्चर तो बताया था बेटा कि ये आरएनए इनमें तो जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है, किसी किसी में एंजाइम का भी काम करता है। याद करो तुमको सिखाया था कि एंजाइम्स जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बट आरएनए भी कोई कोई ऐसा होता है जो एंजाइम का काम करता है, ठीक है। कौन कौन से याद किए थे हमने बेटा, एक याद किया था राइबोजाइम, वो एंजाइम जो आरएनए है। दूसरा याद किया था बेटा राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज। तो हम सब कुछ एक जगह पे कनेक्ट करते चलेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस आपको बहुत सारी जगह से चैप्टर से कनेक्टेड आएगा, जरूरी नहीं एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आए, आपको टॉपिक्स और चैप्टर्स को लिंक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। सो आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, इट एक्ट्स एज एंजाइम ऑल्सो विच वी हैव ऑलरेडी रेड एज एक्सेप्शन इन एंजाइम्स, के एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, बट सम आरएनएज ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम्स। इसके अलावा बेटा ये आरएनए कुछ और काम भी करता है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अभी ये क्या है, अपने पास डीएनए है, अब मेरे पास जो डीएनए है वो अपनी मर्जी का एक आरएनए बनाता है जिसको एमआरएनए कहते हैं, जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। आपने नहीं पढ़ा है तो आप बॉटनी में धीरे धीरे ये सारा कुछ पढ़ोगे, और फिर बेटा जैसा एमआरएनए वैसा प्रोटीन बनता है। तो ये जो प्रोटीन बनने का कैरेक्टर है, हमेशा सीक्वेंस ध्यान रखो, जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, जैसा एमआरएनए वैसा प्रोटीन, जैसा प्रोटीन वैसा कैरेक्टर, जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, जैसा एमआरएनए वैसा प्रोटीन, जैसा प्रोटीन वैसा कैरेक्टर। तो अल्टीमेटली कैरेक्टर वैसा ही है, मेरी आंखों का रंग वही है जो मेरा डीएनए देना चाहता है, जैसा डीएनए होगा, बट रास्ते में हमने आरएनए की हेल्प ली है जिसने प्रोटीन बनाने में हमारी मदद की है। तो ये आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, जैसे कि आरएनए का नाम है एमआरएनए, पहले आर से शुरू करती हूं, यहीं पे आपको परसेंटेज भी बता दूंगी, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, ये तीन आरएनए पाए जाते हैं एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में। आर एम और टी स्मॉल में ही लिखेंगे और आरएनए को कैपिटल में लिखेंगे। सो दिस इज आरआरएनए, दिस इज एमआरएनए एंड दिस इज टीआरएनए। क्यों ना बड़ा अच्छा हो जाए अगर हम यहीं साथ में ही इसके फुल फॉर्म्स भी रट ले अगर हमको नहीं आते हैं। दिस इज राइबोसोमल आरएनए, नाम से ही नहीं पता चल गया ये आरएनए राइबोसोम के अंदर है। mRNA is messenger RNA, कुछ मैसेज ले जाने का काम करता है प्रोटीन बनाते वक्त। एंड T is transfer RNA, प्रोटीन बनाते वक्त कुछ ट्रांसफर करता है जो आप डिटेल में पढ़ोगे बॉटनी की क्लासेस में। ओके, सो वी हैव राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA। यहीं पे इसका परसेंटेज याद करिए, एग्जैक्टली यहीं पे आरएनए, आरआरएनए इज 82-85%। जितने भी एक्स्ट्रा आरएनए है ना हमारी बॉडी में, उसमें से सबसे ज्यादा आरआरएनए है, दैट इज 82-85%। एमआरएनए इज बेटा 10-15%, 10-15%। एंड टीआरएनए बहुत थोड़ा सा, 5-7%, 5-7%। This is 80-85%, this is 10-15%, and this is 5-7%। और ये जितने भी RNA हैं जो इसके अलावा कोई काम कर रहे हैं, देखो नाम देखो तुम, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। जो जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है उसको तुम कहोगे जीनोमिक RNA। क्या कहोगे बेटा, जीनोमिक RNA। जो जीनोम का काम कर रहा है, जीनोम मतलब जहां पे जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल का जो काम कर रहा है वो
क्या हो गया, जीनोमिक आरएनए, एंड ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा, नॉन जीनोमिक आरएनए, मतलब वो आरएनए जो जीनोम नहीं बना रहे, जो जेनेटिक मटेरियल नहीं बना रहे, सिंपल आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल बना रहा है जीनोमिक, जो कुछ और काम कर रहा है वो क्या हो गया नॉन जीनोमिक, जिसमें अपन ने पढ़ा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जिसमें अपन ने पढ़ा बेटा ये एंजाइम के लिए, ये सारे नॉन जीनोमिक आरएनए हो गए। ठीक है, यही एक ही स्लाइड पे आपको कुछ बेसिक बातें बताने की कोशिश की है जो आपको ऑलरेडी शायद पता हो, ना पता हो तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने एक बारी फिर से ये फुल फॉर्म्स, जीनोमिक नॉन जीनोमिक जैसे वर्ड, इन सब के फुल फॉर्म्स लिख दिए हैं। ठीक है, इसको क्लियर रखेंगे। अब एक्स्ट्रा बातें करते हैं जो हमारे लिए और ज्यादा जरूरी है। बेटा ये न्यूक्लिक एसिड तुमने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। अभी तुमने किया कि न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनता है। फिर न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स का होता है, जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है लिविंग सिस्टम में, है ना। इसके अलावा ये न्यूक्लियोटाइड सिर्फ इतना ही काम नहीं करके देता तुमको कि इसने अपनी चेन बनाई और हमारा जेनेटिक मटेरियल बना दिया। बेटा ये एनर्जी करेंसी भी बनाता है, एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल या एनर्जी करेंसी कुछ भी कह लो। अच्छा, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाइन्थ क्लास से। व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल, दैट इज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी करेंसी हम किसको कहते हैं बेटा, एटीपी मॉलिक्यूल को कहते हैं। यही तो तुम्हारी एनर्जी है। जैसे हम पैसा सेव करके रखते हैं जरूरत के टाइम पे खर्च करने के लिए, वैसे हमारी बॉडी एनर्जी के फॉर्म में इस एटीपी को खर्च करती है। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी बता दीजिए फटाफट से, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। उठा लो ना यहां से एटीपी। एक एडेनोसिन नाम की कोई चीज है जिसमें तीन फॉस्फेट लगे हुए हैं, ये भी बेटा एक न्यूक्लियोटाइड होता है। तो अपन डीएनए का तो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अपन अपनी इस एनर्जी करेंसी का भी स्ट्रक्चर देखेंगे आज, कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हमारा सिस्टम चल रहा है, ये हाथ मूव कराना, ये बोलना, ये दिमाग का चलना, एवरीथिंग इज यूजिंग आर एटीपीज। ये जो हम इतनी एटीपी खर्च कर रहे हैं वो दिखती कैसी है। ठीक है, सो वी आर डन विद व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड। Let's have a quick recap. It is a biomolecule which is a macro biomolecule having molecular weight more than 800 Dalton. It is a polymer of nucleotide. So nucleotide is the monomer and nucleic acid is the polymer. This nucleotide, this monomer is forming our energy currency ATP, and this chain is forming the DNA and RNA which are acidic in nature and found as genetic material in the living system. This is found in general in every living organism except for some viruses, that is riboviruses. ठीक है, उसके बाद this is generally double stranded, this is generally single stranded, both are acidic in nature. And we have genomic and non-genomic RNA. जो genomic RNA है वो genetic material की तरफ काम करते रहे काम करेगा, और कुछ भी और काम करे तो हम उसको non-genomic RNA में रखेंगे। ठीक है, let's move forward with the structure of a nucleotide. चलो पता चल गया बेटा कि nucleic acid क्या है, एक लंबी सी chain है nucleotide की। एक nucleotide बना लेते हैं, एक फूल जो तो बन गया, तो बस उसको साथ में जोड़ते जाना है, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड यानी कि बेटा मोनोमरिक यूनिट बना रहे हैं। एक मोनोमर जो है ना, एक फूल, एक मोती, वो बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, ध्यान से समझेंगे, फिर से समझ के अपने पेन छोड़ दीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद पॉज करके नोट डाउन करिएगा। Come on. So one nucleotide is made up of three things. तीन चीजें हैं, एक मोती के पास तीन चीजें हैं, इसके अंदर मैंने तीन चीजें जोड़ के इसको कलरफुल बनाया है। फिर मैं इस कलरफुल मोती को जोड़ती जाऊंगी और चेन बना के उसको न्यूक्लिक एसिड बोल दूंगी। बेटा वन न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री थिंग्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज शुगर,
कोई तो शुगर लिया है मैंने. इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने पेंटोस शुगर ही लिया है और कोई लेने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है. कोई सा भी शुगर मैं सिर्फ और सिर्फ पेंटोस शुगर लूंगी. नाम से कुछ पता चल रहा है, पेंटोस शुगर, वो शुगर जिसमें 5 कार्बन हो. ये आपने पढ़ भी लिया है कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर में. सो वी हैव C5 जिसकी चेन 5 कार्बन की बनी हो, ऐसा शुगर ले रहे हैं. ठीक है, प्लस हम एक बेस ले रहे हैं, एक ऐसा बेस ले रहे हैं बेटा जिसमें नाइट्रोजन हो. सो वी आर कॉलिंग इट एज नाइट्रोजेनस बेस, नाइट्रोजेनस बेस. सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, इतना बनाने के बाद हमने इसमें जोड़ा एक फॉस्फेट ग्रुप. क्या जोड़ा बेटा? एक फॉस्फेट ग्रुप. ये 3 चीजें हैं जो मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगी. 1 न्यूक्लियोटाइड हैज अ पेंटोस शुगर, 1 नाइट्रोजनस बेस एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप. तब जाके आप बोलोगे अब एक न्यूक्लियोटाइड बनाया, मैं इसको जोड़ जोड़ के चेन बना के न्यूक्लिक एसिड बना सकता हूँ. ठीक है, आ जाओ अभी इन दोनों के बारे में अलग से भी बात करेंगे. अभी तो तुम बस सुनते जाओ. पहले तुमने इन दोनों को जोड़ दिया और इसको बुलाया न्यूक्लियोसाइड. क्या बुलाया बेटा? न्यूक्लियोसाइड. ध्यान रखो, दिस इज न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज न्यूक्लियोसाइड. सो वी आर एडिंग पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस एंड फॉर्मिंग अ न्यूक्लियोसाइड. और उस न्यूक्लियोसाइड में जब अपन ने एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा तब जाके क्या बना? न्यूक्लियोटाइड. तो क्या मैं इसी को बेटा इस तरह से लिख दूं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप. कोई बुरा नहीं मानेगा बेटा, आप ऐसे बहुत आराम से लिख सकते हो. या तो आप लिखो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पेंटोस प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, और यू कैन सिंपली राइट न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बिकॉज न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू पेंटोस प्लस नाइट्रोजनस. तो आपको कोई भी इसमें से इक्वेशन आए प्लस माइनस करके आप बना सकते हैं. इतना आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई हमारी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की. वी आर नाउ क्लियर विद न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड. यू कैन स्टार मार्क इट बिकॉज हम टाइड और साइड अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन में तो गलती हो जाएगी. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द फर्स्ट थिंग दैट इज पेंटोस शुगर. पेंटोस शुगर किसको बोला बेटा? जिसमें कार्बन 5 हो. ठीक, 2 पेंटोस शुगर पढ़ेंगे अपन. कितने? 2. एक का नाम है राइबोज शुगर. ये जो राइबोज नाम का शुगर है ना, ये पेंटोज है. इसमें 5 कार्बन होती है. ठीक है, मैंने इसमें से एक ऑक्सीजन उड़ाया और बोला डी ऑक्सी राइबोज शुगर. एक ऑक्सीजन उड़ाया तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर. तो दूसरा शुगर अपने ने लेना है डी ऑक्सी राइबोज शुगर. बेटा एक ऑक्सीजन ही तो उड़ाया है, कौन सा उसका कार्बन उड़ाया है? तो ये भी C5 है और ये भी C5 है. हमने सिर्फ राइबोज में से एक ऑक्सीजन को उड़ाया है, माइनस ओ. कहां से उड़ाया है ये ओ? ये उड़ाया है हमने बेटा फ्रॉम 2-OH. 2-OH क्या है अभी बताती हूँ. इसके दूसरे नंबर पे जो OH लगा था, इसके कार्बन नंबर 2 पे जो OH लगा था उस पे से मैंने एक O उड़ा के डीऑक्सीराइबोज शुगर बना दिया. ठीक है, अब नाम से देखो जिसमें बेटा राइबोज शुगर होगा वो क्या बनाएगा? RNA. जिसमें डीऑक्सीराइबोज होगा वो क्या बनाएगा? DNA. यानी जब तुम्हें RNA बनाना हो तो उसकी माला का जो मोती बनाओगे उस मोती में पेंटोस शुगर कौन सा रखोगे? राइबोज. जब माला तुम्हें DNA की बनानी हो तो उसकी मोती में न्यूक्लियोटाइड में कौन सी वाली शुगर रखोगे? डीऑक्सीराइबोज. नाम से ही पता चल रहा है DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बिकॉज उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है. RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड क्योंकि उसमें राइबोज शुगर है. ठीक है, इस दोनों के ये डीऑक्सीराइबोज और राइबोज के स्ट्रक्चर बनाएंगे बिना घबराए. बहुत ईजी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना. ये देखो एक ओ लगाओ,
एक ओ लगा के एक पेंटागन जैसा कमरा बनाओ, इधर भी और इधर भी। बस कुछ किया मैंने अभी तक? कुछ भी नहीं किया, एक ओ बनाया और पेंटागन जैसा कमरा बना दिया। अब क्या करूंगी देखो, डंडी 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 डंडी, ठीक, और नंबर कर दूंगी 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। अब देखो क्या करना है, यहां पे लिखो OH, यहां पे लिखो OH, यहां पे लिखो OH और यहां पे लिखो CH2OH, ठीक है। ये राइबो शुगर बना रहे हैं। देखो राइबो शुगर में क्या किया, एक O पंचकोना बना दिया, 1 2 3 4। यहाँ पे बेटा एक्चुअली में कार्बन होता है, जहाँ पे कोना आता है ना वहाँ पे कार्बन होता है, तो हम ना लिखे तो भी हमें अंडरस्टूड होता है, या पढ़ते आ रहे हो कि यहाँ पे मैं कुछ भी ना लिखूँ मतलब सी अंडरस्टूड है। जिसको नहीं आता है वो भी परेशान नहीं होगा, धीरे धीरे आप सब सीखोगे लेक्चर्स लगाते लगाते केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे भी सी है, तो देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये हो गया बेटा पांचवा कार्बन। इधर आओ, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये हो गया बेटा पांचवा कार्बन। और इसके अलावा OH, OH, OH भर दिया, यहाँ पे भी भर दो OH, OH, OH। ये होता है राइबोस का स्ट्रक्चर। और इसके 2-OH पर से, इसके 2- वाले OH पर से बस O उड़ा दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ पे बच जाएगा H। बस ये हो गया आपका डीऑक्सीराइबोस। आपने जो 2-OH पर से एक O उड़ा के सिर्फ H छोड़ दिया, दिस इज डीऑक्सीराइबोस शुगर। दोनों में ही पांच पांच कार्बन है, इसलिए दोनों पेंटोस शुगर है। दिस इज राइबोस, दिस इज डीऑक्सीराइबोस। ये स्ट्रक्चर आप 2 से 3 बार लिख के रटेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। और बेटा हमने क्या किया, इसमें बस 2-OH पर से एक O हटाया, डीऑक्सीराइबोस बन गया। राइबोस आप लगाओगे RNA में और डीऑक्सीराइबोस आप लगाओगे DNA में। तो ये हो गया RNA और DNA बनाने का हमारा पहला स्टेप क्लियर, कि हमें पहले माला का मोती बनाना है। उस मोती का पहला पार्ट हमको पता चल गया, हम किस में कौन सा लेंगे। दूसरे पार्ट पे आते हैं, दिस इज नाइट्रोजनस बेस, एक ऐसा बेस जिसमें नाइट्रोजन हो। अब हजारों ऐसे बेस होंगे, हमको क्या मतलब, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पेपर में पूछा जाएगा। हमको बेटा 2 क्लास याद रखनी है, एक का नाम है प्यूरीन। प्यूरीन बेस वो बेस होता है जिसमें नाइट्रोजन होता है और वो डीएनए आरएनए में पाया जाता है। दूसरा होता है बेटा पिरिमिडीन। पिरिमिडीन भी वो बेस होता है जिसमें नाइट्रोजन होता है और ये डीएनए आरएनए में पाया जाता है। तो हमने प्यूरीन और पिरिमिडीन क्लासेस लिख ली। बेटा प्यूरीन पिरिमिडीन में भी न जाने कितने बेसेस होते होंगे, अपने को तो उतने ही पढ़ने हैं जो डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। देखो अपने को 2 प्यूरीन बेसेस पढ़ने हैं, एक का नाम है एडेनाइन, जिसको प्यार से लिख सकते हैं ए। दूसरे का नाम है बेटा गुआनाइन, इसको प्यार से लिख सकते हैं जी, ए जी। ए और जी क्या है, प्यूरीन नाइट्रोजनस बेसिस हैं। जितने भी पिरिमिडीन बेसिस होते हैं उसमें से 3 पिरिमिडीन बेस हम याद रखेंगे जो हमारे डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज साइटोसिन, जिसको प्यार से लिखते हैं सी, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन। सेकेंड वन, सेकेंड पिरिमिडीन बेस इज थाइमीन। थाइमीन प्यार से क्या लिख दोगे, अब तो पता ही है टी। एंड द थर्ड पिरिमिडीन बेस इज यूरैसिल, यूरैसिल यू। 2 प्यूरीन बेस याद रखने, 3 पिरिमिडीन बेस याद रखने। तो तुमने सोचा मैम ये तो आपने ये बताया कि नाइट्रोजनस बेस भाई 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन पिरिमिडीन। प्यूरीन में ये 2 याद कर लो, पिरिमिडीन में ये 2 या 3 याद कर लो। तो पहले तो बेटा यही डायरेक्ट क्वेश्चन है, एडेनिन क्या है, प्यूरीन या पिरिमिडीन बताओ। साइटोसिन थाइमिन गुआनिन लिखे तो उसमें से कौन सा प्यूरीन है कौन सा पिरिमिडीन, तो पहले तो ये याद रखोगे। दूसरी बात आती है तुम्हारे दिमाग में कि क्या मैम ये पांचों डीएनए में और पांचों के आरएनए के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। नहीं बेटा, डीएनए हो या आरएनए, 4-4 बेस रखते हैं ये। देखो अगर हम पहला ले ले बेटा डीएनए,
तो ये कितना बेस रखता है अपने पास? टोटल चार बेस रखता है। टोटल इसके पास चार टाइप्स की इसकी चेन में बेस होते हैं। इसने जो न्यूक्लियोटाइड बनाया है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये देखो कहाँ चले गए अपन, घेरा। हम डीएनए का जब न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो डीऑक्सीराइबोस शुगर लगाएंगे और कोई उनमें से चार बेस लगाएंगे और फॉस्फेट लगाएंगे। जब आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाओगे तो राइबोस शुगर लगाओगे उसके न्यूक्लियोटाइड में, उसके न्यूक्लियोटाइड में चार बेस लगाओगे, कौन से अभी बता रही हूँ, और फॉस्फेट ग्रुप लगाओगे। तो बेटा एक न्यूक्लियोटाइड में एक बार में एक ही बेस लगाओगे, लेकिन अलग अलग न्यूक्लियोटाइड में तो बेस चेंज कर सकते हो ना। तो टोटल उसकी पूरी चेन में जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें अलग अलग चार बेसेस हो सकते हैं, वो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, आ जाइए वापस से। डीएनए के पास जो चार बेस है बेटा, इसके पास दो तो प्यूरीन बेस है और दो बचे पिरिमिडीन बेस है। अब सवाल आता है कौन कौन से, तो प्यूरीन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एडेनिन और गुआनिन है, और पिरिमिडीन में बेटा ये रखता है साइटोसिन और थाइमिन। जबकि आरएनए, इधर लिख लो, आरएनए के पास भी चार बेसेस हैं। पूरी आरएनए की चेन में अलग अलग चार बेसेस के न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से चार बेसेस? अगेन टू आर प्यूरीन एंड टू आर पाइरिमिडीन। और प्यूरीन में कोई परेशानी नहीं है, एडेनिन और गुआनिन। आते हैं पाइरिमिडीन पे। पिरिमिडीन में बेटा एक तो साइटोसिन और दूसरा यूरैसिल, दूसरा बेटा यूरैसिल। जहां पे डीएनए में थाइमीन है वहां पे आरएनए में उसकी जगह पे यूरैसिल है। तो चार चार बेसिस है डीएनए के पास। देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, डीएनए के पास चार बेस है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमीन। आरएनए के पास भी चार बेसिस हो सकते हैं, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरैसिल। ठीक है, थाइमीन होता है डीएनए में, यूरैसिल होता है आरएनए में। आप इसी को घुमा घुमा के क्वेश्चंस बनाते रहते हैं। क्या बताओ, डीएनए में इनमें से क्या नहीं है? यूरैसिल नहीं है। बताओ आरएनए में इनमें से क्या नहीं है? थाइमिन नहीं है। बताओ आरएनए में थाइमिन की जगह क्या है? यूरैसिल है। बताओ आरएनए में, सॉरी डीएनए में आरएनए की जगह, डीएनए में यूरैसिल की जगह क्या है? थाइमिन है। और आरएनए में थाइमिन की जगह क्या है? यूरैसिल है। ठीक है, प्यूरीन पिरिमिडीन करके पूछे तो भी आप बता सकते हो, टोटल टोटल चार का नाम पूछे तो भी आप बता सकते हो। ये आपकी बेसिस की कहानी, नाइट्रोजनस बेस। टोटल पांच होते हैं आरएनए या डीएनए में, उनमें से ये चार डीएनए में पाए जाते हैं, ये चार आरएनए में। एक वक्त में, ध्यान रखना, एक बार में आप एक न्यूक्लियोटाइड में कोई एक ही बेस यूज करोगे, पर पूरी चेन में आप अलग अलग बेस का न्यूक्लियोटाइड बना के लगा सकते हो, इन चार का इधर और इन चार का इधर। ठीक है, ये वाली बात हुई नाइट्रोजनस बेस की। अब आओ इधर फॉस्फेट ग्रुप पे, थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप की कहानी कहां से आती है? H3PO4 से। व्हाट इज H3PO4? दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड है ये। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर शायद कुछ बच्चों को आता हो। पी की बेटा पांच वैलेंसी होती है, एक लगा दो डबल बॉन्ड ओ, बाकी तीन ये बच रही है ओ एच, ओ एच और ओ एच लगा दो। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से बेटा ये जो ओ एच वाले हैं ना, ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, ये एच उड़ सकता है। यानी जब उड़ा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। कैसा बेटा? पी डबल बॉन्ड ओ, एक एच उड़ाया ओ माइनस, दो उड़ाया तो दो माइनस, और तीन उड़ाया तो तीन माइनस। यानी H3PO4 से आप H3PO3 वन माइनस, H3PO2 टू माइनस और H3PO3 थ्री माइनस पे जा सकते हो। दिस इज व्हाट इज दिस H तो अब है नहीं यहाँ पे, PO4 थ्री माइनस। ठीक है, दिस इज H3PO4। देखो एक उड़ाया तो क्या बनेगा बेटा? H2PO4 माइनस, फिर बनेगा बेटा HPO4 टू माइनस, और फिर बनेगा PO4 थ्री माइनस। एक एक H उड़ाते जाओ, उसी को अपने को लिख देना है। ठीक,
ठीक है. दिस इज अबाउट द फॉस्फेट ग्रुप. ये थोड़ी सी केमिस्ट्री भी साथ साथ बताते चल रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे. आप ये सब फिर से केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में. आपको बायोलॉजी में इतनी डिटेल का काम नहीं आएगा, बट यू शुड नो वॉट इज अ फॉस्फोरिक एसिड और हमें कहाँ से फॉस्फेट मिल गया. ठीक है, कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, नाउ वी आर डन कि एक न्यूक्लियोटाइड हम बना सकते हैं एक फॉस्पेंटोस शुगर, एक बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ के, जिसमें हमने पढ़ा बेटा कि ये पेंटोस शुगर कौन कौन सा आरएनए में, डीएनए में, उसके बाद कौन कौन से बेसिस डीएनए में, आरएनए में, और फॉस्फेट तो आप दोनों में सेम बनाओगे. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कंफ्यूज करा करा के पूछे जाते हैं. आपको कंफ्यूज कराया जाता है बेस और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के नाम में. तो इसको एक टैबुलर फॉर्म में बेटा कंप्लीट करेंगे ताकि अपन इसके किसी भी क्वेश्चन को नाम की कंफ्यूजन की वजह से गलत ना करें. ठीक है, देखो अपन ने क्या पढ़ा कि भाई एक बेस है, बेस से पहले शुगर लिख लेती हूँ, शुगर से स्टार्ट करती हूँ. तुमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा कि एक शुगर है, शुगर को मैम हमने अगर बेस से जोड़ा तो हमें मिलता है न्यूक्लियोसाइड. क्या मिलता है बेटा? न्यूक्लियोसाइड. ये तो तुम्हें पता ही है. और इस न्यूक्लियोसाइड में जब तुम एक एटीपी जोड़ देते हो, सॉरी एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ देते हो, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ के तुम्हें क्या मिला था? एसिड मिला था, दैट वॉज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड. तो अपन को क्या देखना है? अपन को सबके नाम देखने हैं कि कौन सा बेस लगाया तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड मिला, फिर कौन सा न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे उसे. ठीक है, ये देखो लिख लिख के साथ में करेंगे. एक मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल, फिर आप अपने से दूसरे बेस पे उसको अप्लाई करोगे और खुद से सीखोगे कि क्या बोलना है उसे. ठीक है, सब कुछ क्लास में याद हो जाना चाहिए. हर चीज मैं पढ़ाते पढ़ाते कई बार बोलते रहूंगी. पहला लिया हमने लेट्स से बेटा, फर्स्ट हमने लिया राइबोज शुगर, और एक और ऑप्शन अपने पास क्या है शुगर की? डीऑक्सीराइबोज शुगर. तो दो ऑप्शन है अपने पास शुगर की, दोनों लिख ली. पहली ऑप्शन हमने बेस की लिए बेटा एडेनाइन बेस. कौन सा बेस? एडेनाइन बेस. एक बारी फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ आपके लिए, एडेनाइन, जिसको आप प्यार से क्या लिखते हो? ए. और ये कौन सा बेस था बच्चों? इट वॉज प्यूरीन बेस. जब तुमने शुगर में बेस को जोड़ा तो तुम्हें न्यूक्लियोसाइड मिला. देखो अगर तुमने राइबो शुगर में एडेनाइन बेस जोड़ा तो जो न्यूक्लियोसाइड मिलेगा दैट इज एडेनोसिन. कौन सा बेस मिलेगा? एडेनोसिन. और बेटा अगर तुमने यही एडेनाइन बेस को डीऑक्सीराइबोस से जोड़ा तो तुम्हें मिलेगा डीऑक्सी एडेनोसिन. क्या आफत आ गई इसमें? बस डीऑक्सी लगाते चलना है. तो ये जो ओसिन लग रहा है ना, ये ओसिन हमें बता रहा है कि हम न्यूक्लियोसाइड का नाम लिख रहे हैं. किसका नाम लिख रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड का. ठीक, ये प्यूरीन बेस है, आपको पता है एडेनाइन गुआनाइन आर प्यूरीन बेस एंड साइटोसिन थाइमिन एंड यूरैसिल आर पिरिमिडीन बेसिस. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक एक फॉस्फेट जोड़ देते हैं. जब हमने फॉस्फेट जोड़ा तो जो तो तुम आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बना रहे हो तो तुम राइबोस शुगर में एडेनाइन जोड़ के एडेनोसिन बना दोगे. फिर उसमें फॉस्फेट जोड़ के बनाओगे बेटा एडेनोसिन. देखो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. एक फॉस्फेट जोड़ दिया तुमने तो एडेनोसिन के आगे लिख दो मोनोफॉस्फेट. और क्योंकि ये जो फॉस्फेट है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड से तुम्हें मिला ये फॉस्फेट, यानी तुम इसमें एडेनोसिन में एक एसिडिक ग्रुप जोड़ रहे हो. इसीलिए मैंने इसका एक और नाम रख दिया एडेनाइलिक एसिड. बेटा या तो फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड जोड़ने की वजह से इसको एडेनाइलिक एसिड बोल दो, या बोल दो कि एडेनोसिन में एक फॉस्फेट जोड़ा है तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है. एक ही बात है, अपन न्यूक्लियोटाइड को एडेनाइलिक एसिड या एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल सकते हैं. और बस यहां पे तुमको डीऑक्सी लगा देना है, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड या डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. और इसी को देखो तुम क्या लिख सकते हो, ए एम पी, यही होता है आपका ए एम पी मॉलिक्यूल. ठीक है, तो अब तुमको परेशान किसमें किसमें नहीं होना है, कंफ्यूज कराया जाएगा एडेनाइन एडेनोसिन एडेनाइलिक एसिड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी में. तो एडेनाइन
साइन एक बेस है जिससे न्यूक्लियोसाइड बना है एडेनोसिन। अगर डीऑक्सी नहीं लगाए मतलब तुमने इसमें जो शुगर लगाया वो है राइबोस। एडेनोसिन के बाद जब तुम फॉस्फेट जोड़ दोगे बेटा, फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जोड़ दोगे, तब मिलेगा एडेनाइलिक एसिड, जिसको ही आप एएमपी या एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट लिखते हो। जिसमें भी आगे डीऑक्सी लगा दोगे उसमें हो जाएगा कि तुमने शुगर कौन सा लिया, डीऑक्सी राइबोस, यानी तुम डीएनए बनाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि राइबोस आरएनए में होता है और डीऑक्सी राइबोस डीएनए में होता है। ठीक है, अभी परेशान हुए बिना दूसरी एग्जांपल खुद से ट्राई करो। देखो दूसरा एग्जांपल ले लेती हूं कि भाई राइबोस शुगर को तुम जोड़ दो गुआनीन बेस में, जो कि एक प्यूरीन बेस है। रिवाइज करते चलो बार बार, क्लास में सब कुछ रट जाना चाहिए, कई बार कह चुकी हूं। राइबोस में जोड़ो गुआनाइन बेस जो कि एक प्यूरीन बेस है। ठीक, गुआनाइन को जब तुमने राइबोस में जोड़ा तो तुम्हें क्या मिला बच्चों, न्यूक्लियोसाइड, और उसका नाम क्या रखोगे, गुआ नोसीन। फिर से ओसीन देख के तुम्हें पता चला, अच्छा ये तो न्यूक्लियोसाइड है, और इसमें एक फॉस्फोरिक एसिड यानी एक फॉस्फेट जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, गुआनाइलिक एसिड। और क्योंकि तुमने एक गुआनोसिन में एक फॉस्फेट जोड़ा, इसीलिए इसे ही तुम क्या कह सकते हो, गुआनोसिन मोनो फॉस्फेट। सेम बात है, और इसको तुम प्यार से क्या लिख सकते हो, जीएमपी, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, सो गुआनीन इज बेस, गुआनोसिन इज न्यूक्लियोसाइड, एंड गुआनाइलिक एसिड और जीएमपी इज न्यूक्लियोटाइड ऑफ गुआनीन। ठीक है, अगर डीऑक्सी कहीं नहीं लगा है मतलब तुमने राइबोज लिया है, और यही अगर तुम डीऑक्सी राइबोज लेते उसमें गुआनीन जिसको तुम प्यार से जी लिखते हो वो जोड़ते, जो कि एक प्यूरीन बेस है, तो तुम्हें क्या मिलता, डीऑक्सी गुआनोसिन, और फिर बनता डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड और डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। आओ थर्ड पे फिर से सारा ट्राई करेंगे तो हमें क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा। थर्ड पे आओ, थर्ड बेस लेते साइटोसिन। तो राइबोस में मैंने जोड़ के देखा बेटा साइटोसिन। साइटोसिन एक पिरिमिडीन बेस है, ये प्यूरीन बेस नहीं है, ये कौन सा बेस है, पिरिमिडीन बेस है। अब जब इस बेस में तुमने शुगर को जोड़ा तो तुम्हें मिला न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड का नाम देखो साइटिडीन। क्या नाम है, साइटिडीन। यहाँ पे ओसीन नहीं लगा है, यहाँ पे इडीन लगा है बेटा। इडीन लगने से तुम्हें क्या पता चला कि ये है तो न्यूक्लियोसाइड पर हमने इसमें जो बेस जोड़ा है वो पिरिमिडीन बेस है। ये प्यूरीन बेस थे तो हमने ओसीन ओसीन लगाया था न्यूक्लियोसाइड में, और पिरिमिडीन बेस में तुम इडीन लगाओगे न्यूक्लियोसाइड में, और फिर इससे तुम बना सकते हो बेटा साइटिडाइलिक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड एज साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और सीएमपी। हर को याद करना जरूरी नहीं है सच, बट आपको आना चाहिए सारे नाम, ताकि आप कहीं पे भी गलती करने की आपकी कोई गुंजाइश ना हो। ठीक है, आ जाओ अब यही अगर मैं ले लेती डीऑक्सीराइबोस और इसमें जोड़ देती साइटोसिन जिसको तुम प्यार से सी लिखते हो, विच इज अ पिरिमिडीन बेस, तो तुम्हारा क्या बन जाता बेटा यहाँ पे, डीऑक्सी साइटिडीन। इडीन लगाया क्योंकि ये पिरिमिडीन बेस से बना हुआ न्यूक्लियोसाइड है, और फिर बन जाता डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड और डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर किया था। अगला बेस ले लो, अब तक तो तुम्हें आ चुका है, नेक्स्ट बेस ले लो बेटा। अगला बेस लेंगे थाइमीन, और थाइमीन में बेटा हमको पता है कि थाइमीन एक ऐसा पिरिमिडीन बेस है जो डीएनए में पाया जाता, आरएनए में नहीं पाया जाता। जब डीएनए में पाया जाता है तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीराइबोस से जोड़ेंगे, राइबोस से जोड़ेंगे ही नहीं। डीऑक्सीराइबोस होता है डीएनए में, राइबोस होता है आरएनए में। जब थाइमीन बेटा सिर्फ डीएनए में पाया जाता है तो डीएनए वाला शुगर उठाओ, दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, और इसमें बेटा जोड़ो थाइमीन, विच इज थाइमीन। प्यार से आप इसको टी लिखते हो, ये एक पिरिमिडीन बेस है, क्या बन जाएगा,
डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन। देखो इडीन लगाया, उससे पता चला न्यूक्लियोसाइड है किसका, पिरिमिडीन बेस का, और फिर बन जाएगा डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। अगला आओ बेटा, अगला लास्ट तुम्हारे पास बचता है यूरैसिल बेस। अच्छा यूरैसिल किस में होता है, सिर्फ आरएनए में, डीएनए में नहीं होता। तो सिर्फ आरएनए वाला शुगर उठाओ, दैट इज राइबोज शुगर। कौन सा शुगर उठाओगे, राइबोज शुगर। यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज नहीं उठाएंगे बिकॉज यूरैसिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। तो आरएनए वाला शुगर लिया, यूरैसिल लिया, और क्या बना दिया बेटा, यूरिडीन, इडीन, बिकॉज ये न्यूक्लियोसाइड है एक पिरिमिडीन बेस का, और फिर बन जाएगा यूरिडाइलिक एसिड या यूएमपी, यानी कि यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो आपको बस परेशान किसमें नहीं होना है, आपको क्वेश्चन ना ध्यान नहीं देने देगा बेटा कि गुआनिन, गुआनोसिन, एडेनिन, एडेनोसिन, गुआनाइलिक एसिड, देखो सब मिलते जुलते हैं, साइटोसिन, साइटिडीन, गुआनिन, गुआनोसिन, तो तुम परेशान हुए बिना सही से याद रख के इसको सही आंसर कर सकते हो। दूसरा तुमको एक और बात ये ध्यान रखनी है कि अगर डीएनए बना रहा है तो हम उसमें गुआनोसिन नहीं डीऑक्सीगुआनोसिन लेंगे, अगर आरएनए बना रहा है तो हम यूरिडीन, डीऑक्सीयूरिडीन नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है क्वेश्चन में कि आपको आरएनए बनवा रहा है कि डीएनए, आपको न्यूक्लियोसाइड पूछ रहा है कि बेस पूछ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है। ये बेटा ये वाली जो टेबल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे कंफ्यूज करा के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल बातों को, इन्हीं वर्ड्स को आपस में डीऑक्सी लगा के बिना लगाए डीएनए आरएनए लिख के आपको कंफ्यूज कराया जाता है। राइबोज वाला काम तब करोगे, ये देखो ये राइबोज, एक मिनट, ये राइबोज वाला काम ये, ओहो एक मिनट बेटा, ये राइबोज वाला काम, ये राइबोज वाला काम, ये राइबोज और ये राइबोज, ये चार न्यूक्लियोटाइड तुम बना सकते हो बेटा आरएनए के लिए, ये डीएनए के लिए डीऑक्सी, डीऑक्सी, डीऑक्सी एंड डीऑक्सी, ये चार तुम बना सकते हो डीएनए के लिए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड एक बार बन गया तो उसको जोड़ जोड़ के चेन बना के क्या बना देना, न्यूक्लिक एसिड बना देना। क्योंकि अब तुमको ये समझ में आ गया है तो हम कंटिन्यू करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। मैंने आपको अभी बताया था थोड़े टाइम पहले दैट एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ योर सेल। जैसे आप अपने खर्चों के लिए पैसे यूज करते हो, रुपये यूज करते हो, ठीक वैसे ही आपकी बॉडी एनर्जी के लिए क्या यूज करती है, एटीपी यूज करती है, एटीपी खर्च करती है। जो तुमने इतनी मेहनत की, मम्मी से खाना बनवाया, उसको खाया, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, ब्लड की ट्रेन में बिठाया, जगह जगह पे पहुंचाया, और उसके बाद तुमने सांस ली, ऑक्सीजन को ब्लड में भेजा, उसको पूरी बॉडी में घुमाया और सेल्स तक पहुंचाया, उस ऑक्सीजन ने जाके तुमने जो खाना खाया था उसको डाइजेस्ट करके जो ग्लूकोज बनाया था उसको भी तोड़ा, तब जाके एटीपी निकला, तब जाके तुम्हारा पर्पस फुलफिल हुआ है, जो तुम्हें एनर्जी चाहिए थी वो अब मिलेगी। मैं ये जो भी बोल रही हूं, मैसेजेस आ रहे हैं, ये मूवमेंट्स हो रही है, सब कुछ एटीपी मांगता है बेटा। तो ये जो एटीपी है ये भी एक न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या है ये, एक न्यूक्लियोटाइड है, चेन नहीं बनानी है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है। मतलब बेटा यहाँ एटीपी में भी क्या है, एक तो आपका बेस है, शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। बेस कौन सा है, फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एडेनोसिन बनाया और फिर उसमें तीन फॉस्फेट जोड़ दिए, ट्राई मतलब तीन, तीन क्या जोड़ा, PO4 थ्री माइनस वाला ग्रुप जोड़ दिया, जो अपना फॉस्फेट ग्रुप है जो हमें फॉस्फोरिक एसिड से मिला है। और एडेनोसिन क्या है बेटा, एडेनोसिन नाम से ही पता चल रहा है, ओसिन लगा है, मतलब ये एक न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है बेटा, दो चीजें होती हैं, एक शुगर और दूसरा बेस। एडेनोसिन बना है मतलब बेस कौन सा लिया है बेटा, एडेनाइन बेस लिया है। अब फटाफट तुम्हें आ रहा होगा क्योंकि तुमने टेबल सीख ली है। शुगर कौन सा लिया, डीऑक्सी तो लगाया नहीं है तो शुगर लिया है तुमने, राइबोज शुगर। तो देखो बेस कौन सा ले लो, एडेनाइन,
शुगर कौन सा ले लो, राइबोज, और क्या जोड़ दो, फॉस्फेट। ये तीन चीजें जो तो तुमने जोड़ी, एक दो और तीन, और ये फॉस्फेट कितने जोड़ोगे, थ्री मॉलिक्यूल्स। तीन मॉलिक्यूल्स शुगर फॉस्फेट जोड़ने हैं तुमको। थर्ड नंबर ये जोड़ना है कितना, थ्री मॉलिक्यूल्स। तो एक एडेनाइन चाहिए, एक राइबोस शुगर चाहिए और तीन मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट के चाहिए, तब हम बना लेंगे एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। बनाते हैं, अब बहुत इजी लगेगा आपको। ये देखो, घर पे बना बना के प्रैक्टिस भी करेंगे बिना परेशान हुए। जहां आपने तीन से चार बार इसको कॉपी पे देख देख के प्रैक्टिस किया, आपको इजी लगने लगेगा। देखो, सबसे पहले बनाते हैं बेटा राइबोस शुगर। ये रहा राइबोस। राइबोस को ऐसे ही बनाया था हमने, डंडियां लगा दी थी, यहाँ पे CH2OH लगा दिया था, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। ये था नंबर 1, 2, 3, 4 and 5। और 2 पे हम OH ही रखेंगे बिकॉज हम राइबोस बना रहे हैं, डीऑक्सी राइबोस नहीं बना रहे। तो हमने राइबोस बना लिया जो कि एक पेंटोस शुगर है, मतलब एक ऐसा शुगर है जिसके पास कार्बन 5 होता है। फिर से लिख दी सारी बातें। अब ये हो गया तुम्हारा शुगर। अब इसमें क्या जोड़ना है बेटा, तुमको एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है जो कि तुमने चूज कर लिया है कि तुम एडेनाइन लोगे। एडेनाइन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है बेटा, जिसमें एंड में NH लगा होता है। पूरा एक फॉर्मूला होता है इसका, जिसमें एंड में NH होता है। तुम्हें सारा स्ट्रक्चर याद नहीं करना। हम क्या करेंगे, यहाँ से H उड़ाएंगे, यहाँ से OH उड़ाएंगे और इस N को ले जाके नंबर 1 के कार्बन पे जोड़ देंगे। यहाँ नंबर 1 पे क्या है बेटा, नंबर 1 पे यहाँ पे कार्बन ही तो है। तुमको कल ही, तुमको इसके पहले ही अभी बताया था कुछ स्लाइड्स पे कि जो भी कोने होते हैं वहां कुछ ना लिखा हो भले, पर वहां पे अंडरस्टूड है कि कार्बन है। तो हम इस N का H और OH उड़ा के, इसका H और इसका 1 नंबर का OH उड़ा के इस N को लाके सीधा इस कार्बन पे जोड़ देंगे, कार्बन नंबर 1 पे। ठीक है, तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा। यहां पे तुमने अभी तक क्या किया, एक H2O उड़ा दिया, एक H2O उड़ा दिया, और देखो तुमने क्या बनाया, ये O, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, CH2OH, OH, OH, और यहां पे तुमने क्या किया बेटा, अब सीधे लाके जोड़ दिया है N, जिससे ऊपर जुड़ी हुई है इसकी अपनी रिंग पूरी की पूरी। ठीक है, ये है आपका एडेनाइन। ये क्या है, एडेनाइन, येलो कलर से। अब मैं इसको आपको परेशान न करने के लिए सीधे ऐसे लिख देती हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, ये सीधे लिख देती हूँ बेटा कि यहाँ पे एडेनाइन जुड़ा है। क्या जुड़ा है, एडेनाइन। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एडेनाइन और बेस को जोड़ा, शुगर को जोड़ा, तुम्हें क्या पता चल गया कि ये एक न्यूक्लियोसाइड बन गया है। न्यूक्लियोसाइड यानी कि तुम्हारा एडेनोसिन तैयार हो गया है, एडेनोसिन। ठीक है, ये एडेनोसिन तैयार होने के बाद अब तुम क्या करोगे, इसमें जोड़ोगे फॉस्फेट। देखो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ लाके जोड़ोगे, एच ओ पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ओ एच है अपने पास। हम क्या करेंगे, अब फिर से एक एच टू मॉलिक्यूल उड़ाएंगे। ये बताया था इसके जो ओ एच वाले एच है वो उड़ सकते हैं, इसका एक एच उड़ा दो और इसका ओ एच उड़ा दो और इस ओ को ले जाके सीधा ये सी फाइव से जोड़ दो, जो इस राइबोस शुगर का कार्बन नंबर 5 है उससे जोड़ दो। ठीक है, बेस को तुमने जोड़ा कार्बन नंबर 1 से, इसको जोड़ दो कार्बन नंबर 5 से। जब तुमने जोड़ा तो फिर से देखो क्या मिला, जब ये पूरा जुड़ गया तो ये क्या मिला तुमको, एक वाटर मॉलिक्यूल तुमने उड़ाया, एक वाटर मॉलिक्यूल उड़ाया। अब पूरा मॉलिक्यूल तुम्हारे पास क्या है, तुमने इसमें एक फॉस्फेट जोड़ा है, यहाँ पे एडेनाइन जोड़ दिया, यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ दिया। अब पूरा मॉलिक्यूल तुमको क्या मिलेगा, ओ, ये पूरा बना दिया राइबोस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं की है, OH और OH ही रहने दो। यहाँ पे देखो क्या किया है बेटा, एडेनाइन जोड़ दिया है और इधर देखो क्या किया है, CH2OPOOH
OH, ठीक है, इसको व्हाइट कलर से कर देती हूँ क्योंकि ये पूरा शुगर का पार्ट है. CH2 के बाद जो OH था व्हाइट कलर से वो तुमने उड़ा दिया, यहाँ पे OH जो था वो तुमने उड़ा दिया और इसको लाके आपस में जोड़ दिया. ठीक है, तो ये बना है तुम्हारा, अभी तक ATP नहीं बना है बेटा, ये तुम्हारा बना है एक न्यूक्लियोटाइड, जिसको देखो तुमने नाम सीखा है क्या क्या कह सकते हो. तुम इसको कह सकते हो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. अभी तक तुमने एक फॉस्फेट जोड़ा है, तुमने मोनोफॉस्फेट बनाया है, यानी कि AMP बनाया है, जिसको तुम एडेनाइलिक एसिड भी कहते हो. अभी तुमने एक फॉस्फेट जोड़ा, अभी तुम्हें दो फॉस्फेट और जोड़ने हैं, तब जाके तुम्हारा तीन फॉस्फेट जुड़ेगा और तुम कहोगे ATP तैयार हुआ है. ठीक है, पर यहीं पे हमको एक और बात सीखनी है. फिर से डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम बनाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए. एक तो अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऊपर से उसमें केमिस्ट्री और पढ़ रहे हैं, तो डायग्राम्स बनाते रहना है. अब तुम्हारे पास क्या है, OHOH, यहाँ पे क्या है CH2, और यहाँ से तुम OH उड़ा चुके हो. यहाँ पे तुमने लगा दिया है बेटा एडेनाइन, और यहाँ पे तुमने लगा दिया है OP OH. अब मैं क्या करूंगी बेटा, अब मैं एक और O जोड़ूंगी इधर से, फॉस्फेट O था, अब मैंने एक और फॉस्फेट जोड़ दिया OH, और फिर मैंने इस H को उड़ा के, फिर से मैं इसके कितने भी H, तीनों H को उड़ा सकती हूँ, फिर से एक फॉस्फेट जोड़ दिया OH OH. अब जाके तीन फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं POP. पहले यहाँ पे COP बॉन्ड बन गया, फिर POP POP करके बॉन्ड बन गया. यहाँ पे इसके भी OH रहा होगा, इसके भी OH रहा होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया. यहाँ पे इसके भी OH, इसके भी OH, एक वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया, बच गया O. यहाँ पे इसका OH, इसका OH, एक वाटर मॉलिक्यूल उड़ गया, बच गया O. तो एक एक वाटर मॉलिक्यूल हम उड़ाते गए और ये सारे बॉन्ड बनाते गए. नाम देखो क्या क्या रखोगे. यहाँ पे जो बॉन्ड है वो किसके किसके बीच में है, बेस और शुगर के बीच में. यहाँ पे जो बॉन्ड है बेटा उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. है किसके किसके बीच में, इस कार्बन और इसके नाइट्रोजन और इसके बाद कार्बन है, तो CNC बॉन्ड होता है ये. एक वाटर मॉलिक्यूल के उड़ने से बना है. किसके किसके बीच में है ये, बेस और शुगर के बीच में है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. इधर आओ, यहां पे क्या है, दिस इज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड. ईस्टर बॉन्ड होता है बेटा COC. अगर COP हो गया तो तुम उसको क्या कह दोगे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कह दोगे. ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल के उड़ने से बना है, और ये किसके किसके बीच में है, बेस और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में है. ठीक है, यानी ये दोनों बॉन्ड आपको न्यूक्लियोटाइड में मिलेंगे. फिर आपने जब तीन फॉस्फेट जोड़ दिया, तब जाके आपको दिख रहा है पूरा का पूरा एडेनोसिन, यानी कि न्यूक्लियोसाइड बनाया पहले ये एडेनिन और बेस को जोड़ के, और ट्राई फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट जोड़ दिए इसमें. दिस इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोटाइड जिसमें एक की जगह तीन फॉस्फेट जुड़े हैं, ATP मॉलिक्यूल बन के तैयार हुआ है. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ATP. तीन से चार बार इसको देख के कॉपी पे बनाइए, रट जाएगा, ट्रस्ट में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ATP की बात कर ली, न्यूक्लियोटाइड पता चल गया क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पता चल गया क्या होता है. अब हमको करना है ATP के बाद DNA का स्ट्रक्चर. DNA का बेटा स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट एक्सप्लेन किया था वॉटसन एंड क्रिक साहब ने, इसलिए हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को पढ़ते हैं डिटेल में. ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल क्या है, वॉटसन और क्रिक साहब ने DNA का एक स्ट्रक्चर दिया था, इसलिए हम वॉटसन क्रिक मॉडल पढ़ते हैं. किसका मॉडल दिया था बेटा, DNA का, जो कि जनरली डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, इसलिए इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड DNA का स्ट्रक्चर दिया था, पहला पॉइंट. दूसरी बात, अपने पास बेटा कई तरह के DNA होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन होता है B DNA. अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी. तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था वो सबसे कॉमन वाले B DNA के लिए दिया था, ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, B DNA के लिए दिया था. ठीक है बेटा, दो स्ट्रैंड्स हैं DNA के, मतलब डबल स्ट्रैंडेड है. देखो DS मतलब क्या है, डबल स्ट्रैंडेड होना, मतलब दो स्ट्रैंड्स हैं तो इन्होंने बोला टू स्ट्रैंड्स आर
अदर, क्या बोला, टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. नाम को तोड़ो, इंग्लिश का वर्ड भी हम नाम तोड़ के मतलब निकाल लेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंप्लीट करते हैं. तो दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ आएंगे तब जाके वो एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे और डीएनए बनेगा. और तो और उन्होंने ये बोला दैट दीज टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, जो डीएनए में दो धागा है वो एक दूसरे के अपोजिट चलता है, आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल तो है पर एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, इसका क्या मतलब है अभी बताऊंगी. एंटी पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि बेटा हमको पता है डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, मतलब इसमें दो धागे चल रहे हैं, एक और ये हो गया दो. देखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री का और ये एंटी पैरेलल होने का क्या मतलब है, एक धागा जो चल रहा है उसमें है क्या, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ही तो है. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन बना के तुमने बोला एक न्यूक्लिक एसिड बन गया, फिर तुमने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की एक और चेन बनाई, मतलब एक और न्यूक्लिक एसिड बनाया. और जब दो न्यूक्लिक एसिड के धागों को साथ में रख दिया तो तुमने बोला ये बन गया डीएनए. अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल चलाएंगे. ये वाला अगर 3' से चल के 5' पे आ रहा है तो ये वाला बेटा 5' से चल के 3' पे आ रहा है. ये कार्बन नंबर से आया है, इसका कार्बन नंबर 3 इधर फ्री है, कार्बन नंबर 5 लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का इधर फ्री है. तो इस वाली अगली वाली चेन में अपोजिट हो गया, इधर कार्बन नंबर 3 फ्री है इसका और इधर कार्बन नंबर 5 फ्री है. इसी को कहते हैं कि ये एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के. और बेटा क्या होता है, इन बेस, ये दो स्ट्रैंड्स आपस में अलग अलग भाग ना जाएं, इसलिए हम इन बेसिस के बीच में बॉन्डिंग करा देते हैं. इन बेसिस के बीच में बॉन्डिंग करा देते हैं, कैसे कराएंगे, इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड करा के हम इनको एक दूसरे से कंप्लीट कराते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं. एक्चुअल में बेटा फिक्स है, ये जो पेयर बन रहा है ना इसको कहते हैं बेस पेयर्स. क्या कहते हैं, बेस पेयर्स. दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में सामने सामने वाली स्ट्रैंड में जो बेस होगा न्यूक्लियोटाइड का वो एक दूसरे से बॉन्ड बना के एक पेयर बनाएगा, बेस पेयर. अब बेटा ये फिक्स है कि कौन किसके सामने आएगा. पहली इंपॉर्टेंट बात, हमेशा प्यूरीन बेस का जोड़ा बनेगा पिरिमिडीन बेस के साथ. प्यूरीन की शादी हमेशा सिर्फ और सिर्फ पिरिमिडीन से ही होगी. ये भी फिक्स है बेटा कि कौन से प्यूरीन की शादी कौन से पिरिमिडीन से होगी. ये देखो, अपने पास दो प्यूरीन है, एक तो एडेनाइन और दूसरा गुआनाइन. एडेनाइन की शादी हमेशा थाइमीन से होती है और गुआनाइन की शादी हमेशा साइटोसाइन से होती है. प्यूरीन की शादी हमेशा पिरिमिडीन से होगी, एडेनाइन की शादी थायमिन से होगी और गुआनाइन की शादी साइटोसिन से होगी. यानी हमेशा ए और टी का जोड़ा बनेगा और जी और सी का पेयर बनेगा. तुम बोलोगे कि मैम ये आपस में टिके कैसे हैं, अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बेटा ए है तो यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ सी आएगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी आएगा, यहाँ टी है तो यहाँ ए आएगा, ऐसे करके जोड़ा बनता है. बेटा ये आपस में जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से. किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से. और तो और बेटा एडेनिन और थायमिन का जोड़ा थोड़ा कमजोर है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है, जबकि गुआनाइन और साइटोसाइन की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रखता है. ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. मतलब अगर मैं तुम्हें एक चेन बना के दूं कि बेटा डीएनए का एक स्ट्रैंड है जिसमें बड़े सारे न्यूक्लियोटाइड लगे हैं और ये दूसरा स्ट्रैंड है जिसपे भी उसके सामने बड़े सारे न्यूक्लियोटाइड रखे हैं, तो तुम जरा मुझे बताओ अगर यहाँ एडेनाइन है, यहाँ गुआनाइन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ साइटोसिन है, तो सामने कौन सा जोड़ा आएगा. फिक्स है, एडेनिन की शादी थाइमिन से, गुआनिन की साइटोसिन से, थाइमिन की एडेनिन से और साइटोसिन की गुआनिन से, और करके ये डबल बॉन्ड बना लेंगे.
ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे करके बॉन्डिंग बना लेंगे। ये हो गया एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने वॉटसन क्रिक मॉडल में क्या क्या सीखा? वॉटसन क्रिक ने बताया कि भाई मैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक स्ट्रक्चर बता के दे रहा हूं तुमको कैसा होता है, यानी कि जो दो चेन्स चल रहे हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, और उन्होंने बोला ये एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, और उन्होंने बोला मैं जो स्ट्रक्चर दे रहा हूं वो किसका है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए, दैट इज बी डीएनए का। उन्होंने बोला प्यूरिन को हमेशा पिरिमिडिन के सामने रखना, पिरिमिडिन को हमेशा प्यूरिन के सामने रखना, एडेनिन और थायमिन का जोड़ा बनाना, और गुआनिन और साइटोसिन का जोड़ा बनाना। ठीक है, इतना ही नहीं बोला, और भी चीजें बोली। और उन्होंने क्या बोला, और ये सब हम लिख क्यों रहे हैं बेटा, क्योंकि आपको स्कूल के एग्जाम में भी लिखने के लिए आएगा। अब हो चुका दो साल से जो आपके पेपर नहीं हो रहा, अब आपको पेपर देने होंगे आगे। ठीक है, और जब पेपर देने होंगे तो उसमें लिखने के लिए आएगा राइट डाउन द सेलियंट फीचर्स ऑफ वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो आपको यह सब लिखना पड़ेगा, टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, बी डीएनए के लिए दिया है, किसका किसका जोड़ा बनेगा, एवरीथिंग, और जो बता रही हूं बातें वो भी आ जाओ। उन्होंने बोला बेटा शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन, फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ डीएनए, और बोला बेसेस आर परपेंडिकुलर टू द बैकबोन, बेसेस आर परपेंडिकुलर टू द बैकबोन इनवर्ड्स। अब ये दो बातों, दो लाइनों का क्या मतलब है? उनका सेलियंट फीचर तुमने याद कर लिया कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाती है और बेसिस बैकबोन के परपेंडिकुलर है इनवर्ड्स अंदर की साइड, इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से करेंगे, ये देखो, ये लिया बेटा शुगर, शुगर से जोड़ा बेस बन गया न्यूक्लियोसाइड, इससे जोड़ा बेटा फॉस्फेट, अब ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाओ, शुगर और बेस न्यूक्लियोसाइड, इसमें जब तुमने फॉस्फेट जोड़ा तो बन गया न्यूक्लियोटाइड, अगला न्यूक्लियोटाइड बनाओ, शुगर और बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अभी बताया था शुगर और बेस के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड CNC बॉन्ड होता है, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में बेटा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, देखो अभी बताया ना बच्चे, यहां पे आ जाओ, शुगर और बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, C1 से इसने बेस को जोड़ा है और C5 से फॉस्फेट को जोड़ा है, वही बात यहाँ पे बोलते भी चल रही हूँ फिर से, है ना, ये हो गया। अब तुमने मान लो यहाँ पे कोई भी बेसिस रखो, इसके सामने रखते हैं शुगर, दूसरी चेन बना रहे हैं, बेस फॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया शुगर बेस फॉस्फेट, दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया शुगर बेस फॉस्फेट, तीसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ऐसी ही बेटा चेन चलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये दो चेन बनाई है तुमने, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, हर चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, और हर न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट है, और हर न्यूक्लियोटाइड में टोटल तीन चीजें, फॉस्फेट शुगर और बेस। ठीक है, अब देखो बेटा इन्होंने क्या बोला, शुगर फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन, ये देखो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसा नहीं लग रहा इन्होंने एक बैकबोन बना ली है, ये देखो ये हो गई बेटा शुगर फॉस्फेट की सीधी बैकबोन, शुगर फॉस्फेट की सीधी बैकबोन। जैसे बच्चे तुम सीढ़ियां चढ़ते हो तो रेलिंग्स होती हैं दोनों साइड पे और बेस निकले होते हैं, सीढ़ियां होती हैं बीच में जिस पे तुम पांव रखते हो, ये ठीक उसी तरह बेस बीच में निकले हुए हैं। तो शुगर फॉस्फेट फॉर्म्स द बैकबोन एंड बेसिस आर परपेंडिकुलर टू द बैकबोन, ये बैकबोन है इससे परपेंडिकुलर में बेस लगा है, ये बैकबोन ने इससे परपेंडिकुलर में बेस लगा है इनवर्ड्स, बाहर भी तो लग सकता था, अंदर साइड लगा है, क्योंकि अब आपको इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करानी है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग करानी है, कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसकी किसके बीच में वो तुमको अब आता है।
एडेनाइन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनाइन और साइटोसाइन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये बात बोली है इन्होंने। और तो और बेटा तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि मैम क्या आप एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से नहीं जोड़ोगे, ये तो भाग जाएंगे इधर उधर। देखो बेटा हम इनको भी आपस में जोड़ेंगे, इनको भी आपस में जोड़ेंगे इसी फॉस्फेट के थ्रू। देखो एक फॉस्फेट ने एक इधर का शुगर जोड़ रखा है, एक अगले वाले का शुगर जोड़ रखा है, इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फो डाईईस्टर बॉन्ड, इसको कहते हैं फॉस्फो डाईईस्टर बॉन्ड। डिफरेंस है एक न्यूक्लियोटाइड में, यहां पे देखो बेटा ध्यान से, ये जो शुगर और फॉस्फेट है ना एक न्यूक्लियोटाइड का, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके बीच में यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और यहाँ पे क्या है बेटा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमको फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये है बेटा फॉस्फो डाईईस्टर बॉन्ड। क्योंकि अब एक फॉस्फेट ने दोनों साइड को जोड़ लिया है, इसलिए डाईईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, दो न्यूक्लियोटाइड को लिंक करता है फॉस्फो डाईईस्टर, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। ये हुआ आपका शुगर फॉस्फेट की बैकबोन, ये हुआ कि किसका जोड़ा किसके साथ बनेगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से बनेगा, फॉस्फो ईस्टर फॉस्फो डाईईस्टर और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहाँ पे होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से अच्छे से इसको लिख लिख के एक दो बार ट्राई करिए, बहुत ईजी लगने लगेगा आपको। हो सकता है एक बार में बहुत टफ लगे बेटा, क्योंकि आप पहली बार ये सब कुछ पढ़ रहे हो, बट आपने करना क्या है, आपने इसको दो तीन बार लिख के ट्राई करना है, इजी हो जाएगा अपने आप से, ओके। चलिए ये बात समझ आ गई हमें, अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम टाइप्स ऑफ डीएनए पे। बोल रही थी ना ये बी डीएनए क्या होता है, बेटा एक्चुअली ना चार पांच टाइप के डीएनए होते हैं, शायद इसमें से एक क्वेश्चन फंस जाए, तो अपन लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे, जेड ए बी सी डी, जेड डीएनए नाम का एक डीएनए होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए एंड डी डीएनए। अब डिफरेंस क्या है इन डीएनएज में, इनमें डिफरेंस है बेटा नंबर ऑफ बेस पेयर का, कि एक सर्कल ऑफ डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर आए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा 12 बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर लिख देती हूँ, इसके अंदर 11, 10, 9 और 8, इसीलिए हमने इस सीक्वेंस में लिखा है। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, बस ये वाला है जो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग करता है, डीएनए का वो जो हेलिक्स घूम रहा है वो लेफ्ट हैंडेड ये घूमता है, बाकी सारे के सारे राइट हैंडेड हेलिक्स बनाते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स टर्न करते हैं, ठीक है। बाय चांसेस से एक क्वेश्चन फंस सकते हैं, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया। इसमें से ये जो बी डीएनए होता है बेटा, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए है इन लिविंग सिस्टम, मेजरली सारे लिविंग सिस्टम में हम में कौन सा डीएनए पाया जाता है, बी डीएनए, मोस्ट कॉमन टाइप इन लिविंग सिस्टम। अब ये नहीं कि तुम सारे डीएनए के ऊपर रिसर्च करने बैठ गए, वो तुम्हारा काम होगा डॉक्टर बनने के बाद सीखना, अभी तुमको इतना सीखना है जो तुम्हारी एंट्री गेट में काम आएगा, ठीक है। चलिए आइए पैरामीटर्स ऑफ डीएनए पे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीएनए के पैरामीटर समझने से पहले एक डीएनए बनाते हैं, ये लो डीएनए का एक धागा 3' से शुरू हुआ 5' पे गया, डीएनए का बेटा दूसरा धागा 5' से शुरू हुआ 3' पे गया, और बीच में लगे हुए हैं बड़े सारे बेस पेयर्स, अंदर बेस लटक रहे हैं जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये बीच में लगे हुए हैं बड़े सारे बेस पेयर पूरे, ठीक है। अब तुम पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम एक टर्न कहाँ से कहाँ तक बोलोगे, बेटा एक टर्न समझना, एक टर्न का मतलब होता है यहाँ से शुरू करके एक सर्कल बनाना, एक सर्कल जो तुमने बनाया वो होगा एक टर्न। अब इसने क्या किया, सर्कल ना बना के उसको ऐसे ऊपर उठा दिया, तो एक सर्कल देखो ऊपर उठे हुए कहां से, ये आधा सर्कल यहां तक और फिर ये आधा सर्कल यहां तक,
ये आधा सर्कल और ये बेटा आधा सर्कल। अगर ये आधे सर्कल के बाद हम इसको इधर ना ले जाते, इधर घुमा के ले आते तो पूरा सर्कल बन जाता। तो यहां से लेके यहां तक होता है बेटा वन टर्न। देखो ये आधा सर्कल और ये आधा सर्कल, अगर ये आधा सर्कल इधर ना आता, इधर आ जाता तो पूरा सर्कल बन जाता। तो पूरा सर्कल जहां तक होता है उसको कहते हैं वन टर्न। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हर जगह आप ये गलत देखते हो, पढ़ते हो, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब आओ, डीएनए के बारे में पहली चीज पूछी जाती है कि भाई इसका डायामीटर कितना होता है। तो तुम सोचोगे इसका डायामीटर कहाँ से लाएं? बेटा डीएनए का डायामीटर का मतलब होता है इसके दो स्ट्रैंड्स के बीच में कितनी दूरी है, यानी ये कितनी दूरी है बेटा, ये दूरी, ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर की तरह। तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो पहला सवाल, डीएनए डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम, डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरे पे आओ, ऑफ कोर्स बेटा तुमको पता है एक टर्न मतलब 360 डिग्री घूम गया। एक सर्कल बनाते हो तो 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाता है, तो एक टर्न मतलब 360 डिग्री। दूसरा सवाल पूछते हैं बेटा, एक टर्न के अंदर आपने ऐसे कितने बेस पेयर रखे हैं यहां से लेके यहां तक में, यहां तक में। इतनी दूरी में बेटा मैंने 10 बेस पेयर रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक पूरे सर्कल वाले टर्न के ऊपर जो कि ऐसे टर्न ना होके ऊपर उठ गया, मैंने उस एक टर्न में 10 बेस पेयर रखे, ठीक है। यानी कि बेटा तुम मानते हो कि 360 डिग्री में 10 बेस पेयर है, ठीक है। यानी एक बेस पेयर में यूनिटरी मेथड लगा दो फटाफट, 36 डिग्री घूमा एक बेस पेयर, 36 डिग्री, फिर 36 डिग्री, फिर 36 डिग्री, घूमते घूमते 10 बेस पेयर ने 360 डिग्री का टर्न बना दिया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, 136 डिग्री टर्न पर बेस पेयर आप कह सकते हो उसको। तीसरी बात आओ, राइज ऑफ डीएनए, माना कि 36 डिग्री घूमा पर ऊपर कितना उठा, घूम भी रहा है ऊपर भी उठ रहा है, घूम भी रहा है ऊपर भी उठ रहा है, घूम भी रहा है ऊपर भी उठ रहा है, तो ऊपर कितना उठा। देखो एक टर्न में बेटा, एक टर्न 34 एंगस्ट्रॉम की हाइट लेता है, इसको हाइट कह दो, ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम की हाइट लेता है। एक टर्न में है 10 बेस पेयर, यानी 10 बेस पेयर ने 34 एंगस्ट्रॉम की हाइट ली, यानी बेटा पर बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम की हाइट उठी है। एक बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम उठा, फिर 3.4 उठा, फिर 3.4 उठा, फिर 3.4 उठा, और 36 डिग्री घूमता चला गया। एंड दिस इज कॉल्ड एज पिच ऑफ डीएनए, पिच ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि पर बेस पेयर कितना राइज हुआ, पिच ऑफ डीएनए कितना है, पर बेस पेयर कितना टर्न किया, डायमीटर कितना है, एक टर्न में कितने बेस पेयर हैं। दिस इज अगेन रियली इंपॉर्टेंट। अब बस इसके लिए आप ध्यान रखना, एक टर्न कहां से कहां तक है, एक सर्कल बनना चाहिए, दो हाफ सर्कल कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। ये हो आपका पैरामीटर्स ऑफ डीएनए। और नेक्स्ट लास्ट डीएनए के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, दैट इज चारगॉफ्स रूल। चारगॉफ साहब ने कुछ रूल्स दिए थे। सबसे पहली बात, इन्होंने जो रूल्स दिए थे बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के लिए थे। किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के लिए। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तो तब बनाएंगे ना जब डबल स्ट्रैंडेड होगा। तो डबल स्ट्रैंड के लिए रूल दिया था, मतलब डीएनए पे अप्लाई होते हैं ये रूल। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आरएनए में तो होते नहीं है, इसलिए क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए अप्लाई नहीं होता है, आरएनए के लिए अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आरएनए के पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या क्या था वो देखो। इन्होंने बोला कि तुमको पता है कि प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन के सामने आएगा, तो क्या दो स्ट्रैंड जब तुम बना रहे हो डीएनए के, तो ये चारगॉफ्स रूल ऑफ डीएनए है। डीएनए के लिए इन्होंने जो रूल दिए थे, उन्होंने बोला कि ये बताओ कि अगर हमेशा प्यूरीन के सामने पिरिमिडीन रख रहे हो, तो क्या डीएनए में जितना प्यूरीन होगा उतना ही पिरिमिडीन रखना पड़ेगा। कॉमन सेंस से हमने बोला यस, हमेशा प्यूरीन के सामने पिरिमिडीन आएगा, इसलिए जितना प्यूरीन है मैम हमको उतना पिरिमिडीन तो लाना ही पड़ेगा। फिर तुमने बोला, मैम आपने ये बता
पता था कि हमेशा एडेनाइन के सामने थायमिन आएगा, तो जितना एडेनाइन होगा उतना थायमिन लाना पड़ेगा। और मैम आपने बोला था गुआनाइन के सामने हमेशा साइटोसिन आएगा, इसलिए जितना गुआनिन उतना साइटोसिन। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नहीं है, अब यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन है, वहां पीछे डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना के दिखाया था, ठीक है। जितना प्यूरीन उतना पिरिमिडीन, जितना एडेनिन उतना थायमिन, जितना गुआनिन उतना साइटोसिन, क्योंकि पेयरिंग ही इसी की होगी। टोटल जितना प्यूरीन टोटल उतना पिरिमिडीन, यानी कि बेटा अगला पॉइंट हमको मिलता है ए प्लस जी, टोटल प्यूरीन जितना है, ये दोनों प्यूरीन होते हैं, उतना टोटल पिरिमिडीन भी होगा, टी प्लस सी। ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, मतलब टोटल प्यूरीन, प्यूरीन बेस में अपने पास एडेनाइन और गुआनाइन आते हैं, और इज इक्वल टू टोटल पाइरिमिडीन, क्योंकि अपने पास पाइरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया एक। अगली बात उन्होंने बोला, अच्छा ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी तो है, ए इज इक्वल टू टी और जी इज इक्वल टू सी तो है, तो क्या ये भी जरूरी है कि ए प्लस टी जितना हो उतना ही जी प्लस सी हो? मतलब जितनी बार तुमने ए और टी को रख रख के जोड़ा है आपस में, इनकी बॉन्डिंग होगी प्यूरीन और पिरिमिडीन की, और इनकी बॉन्डिंग होगी प्यूरीन और पिरिमिडीन की, तो क्या ये भी जरूरी है कि मैं जितना जोड़ा ए टी का लाऊं उतना ही जोड़ा जी सी का लाऊं? बिल्कुल भी नहीं, ये जरूरी नहीं है बेटा। मेरी मर्जी कि मैं कोई स्ट्रैंड बनाऊं, इसमें ए टी ए टी ए टी जी सी ए टी लगा दूं, देखो एक ही जी सी लाई और ए टी चार हो गया, एक दो तीन चार, तो ए टी चार हो गया, जी सी एक हो गया, मेरी मर्जी है, ये फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट होता है फॉर अ स्पीशीज, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए फिक्स है कि उसके पास कितना ए टी और कितना जी सी कॉन्टेंट होगा, उसका जो रेशियो आएगा। मेरा आपका सेम है, हम एक स्पीशीज हैं, तो हमारा रेशियो बेटा सेम आएगा इसका। तो आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है चार गॉप्स रूल में, एक तो ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, और एक ए अपॉन ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इस वाले इक्वेशन पे आपको न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं छोटे छोटे से, तो अगर आपको पता है कि किसकी बॉन्डिंग किसके साथ होती है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजीली। This is about the Chargaff's rule. So we have completed about DNA का structure, ATP का structure, nucleotide, nucleoside and आपके bases जितने भी हैं, उसके बाद हमने Chargaff's rule किया है, and we have also done the types of DNA and parameters of DNA, and next RNA के बारे में हल्का सा पढ़ना, जो मैं आपको starting में ही बता चुकी हूँ, फिर से एक बार कर लेते हैं। RNA is a nucleic acid. ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसकी सिर्फ एक चेन है, मतलब दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, सो दिस इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये सब आपको आता है, जस्ट एक रिवीजन। इसका जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें तीन चीजें कौन कौन सी, राइबोस शुगर, बिकॉज वी आर मेकिंग राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेसिस होंगे कौन कौन से, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड यूरैसिल, एंड वी विल बी हैविंग फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और एक और बात बेटा, आरएनए चारगाफ्स रूल को फॉलो, चारगाफ्स रूल को फॉलो नहीं करता, नहीं करता बेटा। और तो और ये मोर रिएक्टिव होता है, ये डीएनए से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन डीएनए। व्हाई? बिकॉज जो राइबोज होता है बेटा, इसमें ऐसे ओएच लगा होता है यहाँ पे, जबकि डीऑक्सीराइबोज में तो हम यहाँ पे ओ का हटा देते हैं, ये ओएच। डीऑक्सीराइबोज में हमने एक ओ हटा दिया है, यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो इसके पास डीएनए का कंपैरिजन में ओ ज़्यादा हुआ, तो जो ओ ज़्यादा होता है, ओएच काफ़ी रिएक्टिव होता है बेटा, ओएच आर हाईली रिएक्टिव, इसीलिए तो ये उड़ जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का एक और एच मिला, ये गायब, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बिकॉज इसके पास मोर ओएच देन डीएनए।
डीएनए से ज्यादा ओएच प्रेजेंट है, ठीक है। और तो और इसके पास यूरैसिल होता है, यूरैसिल भी थोड़ा लेस स्टेबल है बेटा बाकियों के कंपैरिजन में, इसलिए भी आरएनए ज्यादा अनस्टेबल हो गया। पाया कहाँ पे जाता है बेटा? ये पाया जाता है आपके राइबो वायरसेस में। कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है हम कहते हैं दिस इज जेनोमिक आरएनए, दिस इज जेनोमिक आरएनए। और इसके अलावा ये नॉन जेनोमिक काम भी करता है, कौन कौन से? ये एंजाइम का काम कर सकता है, जैसे कि आपको लिखवा चुकी हूँ राइबोजाइम एंड राइबोन्यूक्लियस। और बेटा ये प्रोटीन बनाने में भी काम करता है, जिसमें आपका आता है आरआरएनए 80-85% लिखवा चुके हूँ पीछे की स्लाइड्स में, एमआरएनए 10-15%, टीआरएनए 5-7%। ये सब हम लिख चुके हैं जो कि प्रोटीन बनाने में नॉन जेनोमिक आरएनए काम करता है, ठीक है। चारगॉफ्स रूल फॉलो नहीं करता ध्यान रखना, यूरैसिल होता है ध्यान रखना, इसमें राइबोज होता है ध्यान रखना, राइबोज में ओएच होगा, डीऑक्सीराइबोज जब डीएनए बनाते हो तब ओ हटाते हो, एंड दिस इज लेस स्टेब मोर रिएक्टिव देन डीएनए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। परेशान हुए बिना लिख के प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, मेरी गारंटी है आपको लेक्चर के बाद न्यूक्लिक एसिड के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। टिल देन एवरीवन टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू वेरी वेरी सून इफ यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको लगता है आपको लेक्चर से फायदा हो रहा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।